हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है क्या है, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट सो मेनी टाइम्स इन क्लास 11। सो बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या? बिजनेस एनवायरनमेंट, जैसे वी आर लिविंग इन एन एनवायरनमेंट, आर सराउंडिंग कंपोजेस आर एनवायरनमेंट। हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, हमारे आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं वो क्या कंपोज करती हैं, हमारे एनवायरनमेंट को। वैसे ही जो बिजनेस होता है, बिजनेस जिस एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है, वो सारी चीज़ें क्या रहती हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, हर वो चीज़ जो बिजनेस को अफेक्ट करे, बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करे और बिजनेस उसे कंट्रोल ना कर पाए, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर फोर्सेस। इसमें हमारे सारी एक्सटर्नल फोर्सेस हो जाएंगी। एक्सटर्नल मींस विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। जो भी हमारी फोर्सेस या फैक्टर्स आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस होंगे, बिजनेस के कंट्रोल से जो चीज़ें बाहर होंगी वो किस में आ जाती हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में आ जाती हैं। लेकिन ये कंट्रोल से बाहर है तभी इन चीज़ों का हमारे बिजनेस के ऊपर असर होता है। बिकॉज अगर हमारा इसके ऊपर कंट्रोल होगा तो वी कैन मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू आर नीड्स। हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इसको मॉडिफाई कर लेंगे अगर ये हमारे कंट्रोल में होगा, बट इट इज़ आउटसाइड ऑफ द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है तो बिजनेस इसको अपने तरीके से चेंज नहीं कर सकता, रादर बिजनेस हैज टू चेंज इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू दीज फैक्टर्स। तो ये डेफिनेशन होगी, बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशनल या इंडिविजुअल या फिर अदर फैक्टर्स या फोर्सेस विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, बट दे इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित करना, अफेक्ट करना, अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। जैसे इन द प्रेजेंट सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल COVID-19, देर इज लॉकडाउन इन द एंटायर नेशन ड्यू टू COVID-19। अब इस लॉकडाउन की वजह से क्या हुई है, बिजनेस परफॉर्मेंस अफेक्ट हुई है, इन्फ्लुएंस हुई है। तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। अब बिजनेस एनवायरमेंट के हम पहले फीचर्स डिस्कस करते हैं, फिर हम जो है इनके इनको डिस्कस करेंगे। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट क्या होते हैं? देखो, हमने क्या कहा है, सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल फोर्सेस, सम टोटल ऑफ यानी कि एग्रीगेट टोटल। तो फर्स्ट फीचर तो हमारा यही आ गया, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। इंटरनल इसमें नहीं आएंगे क्योंकि इंटरनल तो हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, इंटरनल को तो हम अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे ना, बट एक्सटर्नल को नहीं कर सकते। तो फर्स्ट जो आ जाएगा वो ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, फोर्सेस मैंने ये यहाँ पर लिख दी हैं, जैसे इकोनॉमिकल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, लीगल हो गया, पॉलिटिकल, सोशल, इनको अभी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो फर्स्ट जो हमारा फीचर है वो क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। ये सेम हमारी डेफिनेशन से फर्स्ट पॉइंट बन जाता है। नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक एंड जनरल। अब स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल फोर्सेस क्या होती हैं, जैसे वर्ड है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का होगा जो डायरेक्टली किसी फर्म को या किसी बिजनेस यूनिट को अफेक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पेसिफिक के, स्पेसिफिक में हमारे जैसे कस्टमर जो होते हैं किसी एक फर्म के होंगे। अगर मेरा कस्टमर है वो मुझे अफेक्ट करेगा, मेरे जो पड़ोसी हैं, जो मेरे कॉम्पिटिटर हैं, उनको नहीं करेगा। वैसे ही कॉम्पिटिटर, भाई मेरा जिससे कॉम्पिटिशन है उसी से मेरी परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी। वैसे ही मेरे सप्लायर, उनके साथ मेरी कैसे रिलेशन है, सप्लायर हो गया या गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, या फिर आपके जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, इन्वेस्टर या फिर एम्प्लॉइज, ये सब क्या करेंगे, हमें डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे किसी एक फर्म को। मेरे एम्प्लॉई हैं, मैंने उनको सैलरी नहीं दी, नाराज हो गए, मेरी परफॉर्मेंस पे असर आएगा, मेरे कंपटीटर की पे नहीं आएगा। गवर्नमेंट ने कोई मेरे लिए कोई स्पेशल काइंड ऑफ रेजोल्यूशन पास कर दिया, कोई लॉ पास कर दिया या कोई पेनल्टी लगा दिया, व्हाटएवर, या गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ मेरा उठना बैठना है तो वो मेरी परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करेंगे। वैसे ही सप्लायर या क्रेडिटर्स जो होते हैं, जो मुझे रॉ मटेरियल की सप्लाई करते हैं, उनके साथ मेरे रिलेशन अच्छे हैं
या कैसे, उससे मुझे फर्क पड़ेगा, मेरे कंपटीटर को नहीं। वैसे ही कंपटीटर भी, मेरे कंपटीटर जो हैं वो मेरी परफॉर्मेंस पे डालेंगे। हो सकता है जैसे सपोज करो ए जो है वो बी का कॉम्पिटिटर है, तो सी से उसे कुछ लेना देना नहीं है, तो इन दोनों का आपस में जो है वो क्या होगा, परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंस होगा। सी से इनका कॉम्पिटिशन नहीं है, इसका कॉम्पिटिटर नहीं है, इसलिए इसकी परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं आएगा। वैसे ही इन्वेस्टर, इन्वेस्टर जो शेयर होल्डर्स होते हैं आपको पता है, तो ये स्पेसिफिक होते हैं। दी स्पेसिफिक फोर्सेस डायरेक्टली अफेक्ट द बिजनेस यूनिट। वैसे ही जनरल फोर्सेज होते हैं, जनरल फोर्सेज ये आपके सबके होते हैं, ये इनडायरेक्ट अफेक्ट करते हैं और सबको अफेक्ट करते हैं। स्पेसिफिक तो किसी एक को ही करती है। जनरल फोर्सेस जैसे सपोज करो कि कोई लीगल, कोई नया एक्ट बन गया, कानूनी बदल गया, वो सबके लिए बदलेगा या किसी एक के लिए? सबके लिए बदलेगा। तो ये इनडायरेक्टली, डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं हर बिजनेस यूनिट को, लेकिन स्पेसिफिक जो होता है वो किसी एक बिजनेस को भी करेगा क्योंकि उसका नाम ही स्पेसिफिक है। फिर इसके बाद आता है इंटर रिलेटेड। ये जो सारे फोर्सेस होते हैं ना, जो मैंने कहा कि भाई ये फोर्सेस जो हैं विचार आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, ये इंटर रिलेटेड होती हैं। जैसे सोशल, इनको जब हम पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा। सोशल है, जैसे मान लो अगर हम बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, ठीक है, हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से हम क्या करेंगे, डिमांड क्रिएट करेंगे कौन से गुड्स की, जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें उनकी प्रोडक्शन और सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ इकोनॉमिकल आएगा, ठीक है बेटा। वैसे ही सपोज करो कि जैसे फिलहाल लॉकडाउन की वजह से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन अनाउंस किया है, वो पॉलिटिकल में आता है, लॉकडाउन की वजह से प्रोडक्शन रुक गई, इकोनॉमिकल में लोगों की इनकम जो है रुक गई, इकोनॉमिकल में हमारा जो लिविंग स्टाइल है वो चेंज हो गया, वो सोशल में आ जाएगा, ठीक है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पे गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारी एक्ट्स, बहुत सारे लेजिस्लेशन पास कर दिए, ठीक है, कुछ ऑर्डर्स, कुछ कोर्ट जजमेंट, जैसे भाई कोरोना वॉरियर्स को कोई अगर अटैक करेगा तो उनको 7 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट या फिर उन पे 5 लाख का जुर्माना, तो लीगल है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे फोर्सेस इंटर रिलेटेड हैं, एक के चेंज होने में बहुत सारे चेंजेस दूसरे में भी आ जाते हैं। इसका एक और बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोशल है, सोशल में हमारे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस भी आते हैं। तो हमारे कस्टम्स, जैसे मान लो हिंदू जो कस्टम हैं या ट्रेडिशंस हैं, उनमें दिवाली जो है उनका एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। अब दिवाली के टाइम पे डिमांड बढ़ जाती है किस चीज़ की, किस चीज़ की डिमांड्स बढ़ जाती है, जैसे लाइट्स की डिमांड बढ़ जाती है, जैसे आपके क्लोथ्स या यूनिफॉर्म या ड्रेसेस, इन सारी चीज़ों की डिमांड, स्वीट्स की बढ़ जाती है। तो डिमांड बढ़ने को लेकर उस डिमांड के हिसाब से हमें सप्लाई भी करना होगा, वो किस में आता है, इकोनॉमिकल में, ठीक है। तो एक चीज़ के चेंज होने से, एक डायमेंशन के चेंज होने से अदर डायमेंशन आर ऑल्सो अफेक्टेड, तो इसीलिए इंटर रिलेटेड। डायनेमिक आप सबको पता है, डायनेमिक का वर्ड क्या होता है, मतलब क्या होता है, कीप्स ऑन चेंजिंग, कीप्स ऑन चेंजिंग, यानी कि जो चीज बहुत रेंडमली चेंज हो जाए उसको बोलते हैं डायनेमिक। तो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। अभी लॉकडाउन है, 18 तारीख को पता नहीं क्या क्या नए रूल्स रेगुलेशंस जो है इम्प्लीमेंट होंगे, उसके हिसाब से एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे टेक्नोलॉजी जो चल रही है, हो सकता है कल ही अपडेट हो जाए, हो सकता है रात को ही अपडेट हो जाए, क्या हो सकता है सुबह तक अपडेट हो जाए। नई नई इन्वेंशंस, नई नई इनोवेशंस, नई नई एडवांसमेंट होते रहते हैं। तो हमारी जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है वो सबसे ज़्यादा डायनेमिक है क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा चेंजेस होते हैं। तो डायनेमिक का मतलब ये होता है कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कैसा है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, कुछ भी इसमें स्टेबल नहीं होता है। रिलेटिविटी, रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है, रिलेटिव का मतलब वो रिलेटिव नहीं है मिलना जुलना या रिलेशन क्रिएट करना, नहीं, रिलेटिविटी का मतलब होता है डिफर्स। यहाँ पर इस चैप्टर में मतलब होगा डिफर्स। डिफर्स का मतलब ये है कि द एनवायरमेंट विच इज प्रेजेंट इन इंडिया मे नॉट बी प्रेजेंटेड इन पाकिस्तान, ठीक है, या फिर द हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर ऑफ इंडिया मे नॉट बी सेम एज द हैबिट ऑफ यूएसए कंज्यूमर। तो जैसे हम अगर डिमांड की बात करें, जैसे डिमांड फॉर साड़ीज इन इंडिया, बिकॉज इट इज़ ए कह सकते हैं कि एक रिलीजियस ड्रेस है, ठीक है, एक धार्मिक या फिर हिंदू धर्म में इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं साड़ी पहनना, तो हिंदू ऑलवेज डिमांड्स फॉर साड़ी। तो इंडिया एक क्या है, बेसिकली इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो मेजोरिटी में हिंदूज की है, तो
डिमांड फॉर साड़ीज इन इंडिया इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू इन पाकिस्तान. अब पाकिस्तान में किस चीज़ की डिमांड होगी? बुरका, नॉर्मल सी बात है. वैसी डिमांड फॉर आलू टिक्की बर्गर. इंडिया में आलू टिक्की बर्गर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन हो सकता है दूसरे नेशंस में ना हो. तो ये कहता है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ऑफ वन प्लेस, ऑफ वन रीजन और ऑफ वन एरिया और अ कंट्री मे डिफर फ्रॉम द अदर एरिया, कंट्री और रीजन. एक जगह जो बिजनेस एनवायरनमेंट प्रिवेल कर रहा है, एग्जिस्ट करता है, हो सकता है दूसरी जगह ना हो. कॉम्प्लेक्स है. ये कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है इसकी, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या हुआ है? कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि ये सारी जो पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल या इकोनॉमिकल जो डायमेंशंस हैं, इनका प्रोडक्शन के ऊपर या सप्लाई के ऊपर क्या अफेक्ट होगा, हम इसका पता नहीं लगा सकते एग्जैक्टली. तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर. ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है बिकॉज हम इसको समझ ही नहीं सकते इन टोटेलिटी. एक साथ समझना बड़ा मुश्किल है. हाउएवर इट्स अंडरस्टैंडिंग इन पार्ट्स. जैसे हम सोशल एनवायरनमेंट को अलग से पढ़ें, पॉलिटिकल को अलग से पढ़ें, टेक्नोलॉजिकल, इन सब का क्या इफेक्ट होता है बिजनेस के ऊपर, इसको समझना इज रिलेटिवली ईजियर देन अंडरस्टैंडिंग इट इन टोटेलिटी. हम इसको टोटेलिटी में ग्रैप्स करें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स कहा जाता है. कॉम्प्लेक्स इसको इसलिए भी कहा जाता है कि भाई सोशल एनवायरनमेंट में चेंज होने की वजह से अदर एनवायरनमेंट्स में क्या क्या चेंज हो सकता है, इसको हम एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. अब नहीं कर सकते तो इसीलिए अनसर्टेन भी है. अनसर्टेन मतलब जो इसके बारे में हम श्योर नहीं है. बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली अनसर्टेन बिकॉज वी कांट प्रिडिक्ट आवर फ्यूचर एग्जैक्टली. हम अपने फ्यूचर को या फ्यूचर हैपनिंग्स को हम एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इन एडवांस. ठीक है, थोड़े बहुत हम इनके अजम्पशंस ले सकते हैं, थोड़ा बहुत अनुमान हम लगा सकते हैं, गैसेस लगा सकते हैं, बट वी कांट प्रिडिक्ट इट एग्जैक्टली. ठीक है, एग्जैक्टली क्या होने वाला है वो हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. दैट्स वाई बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली अनसर्टेन और इसी अनसर्टेनिटी की वजह से रिस्क भी होता है. तो ये हमारे हो गए फीचर्स. अब आ जाते हैं हम इस इम्पोर्टेंस पे. इम्पोर्टेंस देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या इम्पोर्टेंस होंगे या बिजनेस एनवायरनमेंट किसी भी बिजनेस फर्म के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. बिजनेस एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग यानी कि उसकी समझ किसी भी मैनेजर को इन सारे बेनिफिट्स को प्रोवाइड करती है. ठीक है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस फर्म बिकॉज इट्स सक्सेस, इट्स परफॉर्मेंस इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन इट्स एनवायरनमेंट. तो हम जिस एनवायरनमेंट में बिजनेस को ऑपरेट करते हैं उस एनवायरनमेंट की पूरी नॉलेज हमें होगी, तभी हम सक्सेसफुली एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. देखो, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं. वो चेंजेस हमारे लिए नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो चेंजेस हमारे लिए पॉजिटिव भी हो सकते हैं. अगर वो पॉजिटिव है हमारे फेवर में तो वो अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए. ठीक है, हम उनका एडवांटेज उठा लेंगे. और अगर वही चीज़ अगर नेगेटिव हो जाए तो वो थ्रेट्स मतलब हमारे बिजनेस को खतरा हो जाएगा, वो हमारे लिए एक वार्निंग सिग्नल का काम करता है. ठीक है, तो अगर हमने अपने एनवायरनमेंट को स्कैन किया, उसको अंडरस्टैंड किया, तो हमें पता चल जाएगा कि वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है. ठीक है, तो हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट होगा वो सबसे पहले हमें हेल्प करता है इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो मैं दूंगा वो है कि इन इंडिया मारुति एंड सुजुकी, जो इंडिया में मारुति और सुजुकी कंपनी है, उसने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया द नीड ऑफ स्मॉल कार फॉर इंडियन कंज्यूमर्स. जो इंडिया के कंज्यूमर्स हैं उनमें एक नीड थी स्मॉल कार की, जिसको सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया? मारुति एंड सुजुकी ने. दैट्स वाई इन प्रेजेंट डे सिचुएशन मारुति एंड सुजुकी having the majority of market sharing in automobiles industry. Automobile industry में उसका market share बाकी firm से ज़्यादा है. ठीक है, तो वो क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उन्होंने क्या किया? Identification किया. किसका opportunity? वो opportunity क्या थी? Demand या need for small cars. उससे पहले किसी company ने छोटी गाड़ियाँ बनाकर बेचना भारत में शुरू ही नहीं किया था, लेकिन भारत में छोटी गाड़ियों की demand ज़्यादा थी. इस चीज को मारुति सुजुकी ने समझा, उसके लिए अपॉर्चुनिटी थी, अवसर बन गया और उसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज उसका
उठाया। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब ये है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी है उसको हम सबसे पहले एक्सप्लॉइट करें टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज, सबसे पहले हम उसका एडवांटेज लें इंस्टेड ऑफ लूजिंग इट टू आर कंपटीटर्स, बजाय कि हमारे कंपटीटर उसका फायदा उठाएं उससे पहले हमें उठाना। वैसे ही आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स, भाई थ्रेट्स भी तो हो सकते हैं। अब ऑटोमोबाइल से ही इसका भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा टाटा कंपनी जो है उसने गाड़ी निकाली थी नैनो, जिसको लकटक या कार भी कहते थे, नैनो कार। अब वो भी तो छोटी गाड़ी है। अब टाटा ने कहा कि इट इज गोइंग टू लॉन्च अ नैनो कार द प्राइस ऑफ विच इज वेरी लोअर, या बहुत ज्यादा कम प्राइसेस पर वो अवेलेबल होनी थी। तो यही चीज क्या बन गई, थ्रेट किसके लिए, मारुति एंड सुजुकी के लिए, क्योंकि भाई वो एक लीडिंग फॉर्म है छोटी गाड़ियों में, यानी कि जो स्मॉल कार सेडान कार जिन्हें हम बोलते हैं उनमें, उस मोबाइल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मारुति सुजुकी का सबसे ज्यादा शेयर है। लेकिन वो शेयर अफेक्ट हो सकता था किसकी वजह से, नैनो आने की वजह से, टाटा की जो नैनो कार थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली ज्यादा सक्सेस हो नहीं पाई। तो इस चीज को हम थ्रेट कहेंगे। तो अगर हम अपने बिजनेस एनवायरमेंट को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते रहेंगे, उसको देखते रहेंगे कि व्हाट आर द थिंग्स या व्हाट आर द सिचुएशंस व्हिच आर प्रिवेलिंग इन आवर एनवायरमेंट, क्योंकि हमें उसके हिसाब से ही फिर अपने आप को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारे बिजनेस एनवायरमेंट में थ्रेट्स भी होंगे और अपॉर्चुनिटीज भी होंगी, लेकिन वो हमें कब पता चलेंगे, जब हम अपने बिजनेस एनवायरमेंट को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते रहेंगे, यानी कि उस पर एक क्लोज चेक हम रखेंगे। इसके साथ साथ है टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज इन आर फॉर आर बिजनेस। टैपिंग मतलब गेटिंग, ठीक है, उनको कलेक्ट करना, यूजफुल रिसोर्सेज। अब बिजनेस के लिए बहुत सारे यूजफुल रिसोर्सेज हैं, जैसे लैंड, कैपिटल, रॉ मटेरियल, पावर, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, मशीनरी हो गया या ह्यूमन रिसोर्स हो गया। तो ये सारे रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिलेंगे, सोसाइटी से। बाय यूजिंग ऑल दीज रिसोर्सेज वी कन्वर्ट दीज इनपुट्स इनटू आउटपुट, हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, आउटपुट में। एंड फॉर सेलिंग दैट आउटपुट वी नीड सोसाइटी, वी नीड एनवायरमेंट। तो बिजनेस को दोनों चीजों के लिए ही किस पे डिपेंड रहना पड़ता है, अपने बिजनेस एनवायरमेंट पे, क्योंकि वहीं से उसको रिसोर्स मिलेंगे और वहीं उन रिसोर्सेज से जो भी उसने आउटपुट क्रिएट किया है वो बेचना होगा। तो बिजनेस एनवायरमेंट इज आल्सो हेल्प्स इन टैपिंग द यूजफुल रिसोर्स। अगर हमें पूरे एनवायरमेंट की जानकारी है, हम जहाँ भी बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं उस एरिया उस लोकेलिटी की हमें बहुत अच्छे से समझ है, हमें पता है कौन सी चीज़ कहाँ अवेलेबल है, तो अगर हमें इस चीज़ की नॉलेज है तो वी कैन प्रोक्योर द रॉ मटेरियल और द अदर इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑन रिलेटिवली लोअर प्राइजेस एंड ऑफ बेस्ट क्वालिटी, कम प्राइजेस पर अच्छी क्वालिटी के रिसोर्सेज हम ले आएंगे, अगर हमें सारी एनवायरमेंट के बारे में नॉलेज है कि कहाँ पर कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है। ठीक है बेटा, अब देखो मैंने कहा था कि भाई हमारा बिजनेस एनवायरमेंट क्या है, डायनेमिक है, मींस व्हिच कीप्स ऑन चेंजिंग। अब ये डायनेमिक है, चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया लॉकडाउन का, लॉकडाउन चल रहा है, अब हमें लॉकडाउन के हिसाब से जीने की आदत डालनी होगी। अब परसों या 18 तारीख से नए रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट उनको इम्प्लीमेंट करने जा रही है, तो हमें वो फॉलो करने होंगे। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि बिजनेस हैज टू अडॉप्ट द चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस इन द एनवायरमेंट। ठीक है, हमारे एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस, यानी कि रैपिड चेंजेस, बहुत तेजी से या बहुत जल्दी जल्दी जो चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को हमें क्या करना होगा बेटा, अडॉप्ट करना होगा इन ऑर्डर टू बी कॉम्पिटेटिव, इन ऑर्डर टू सर्वाइव, इन ऑर्डर टू बीइंग अपडेट एंड एडवांस। हमें हमारे कॉम्पिटिटर से अच्छा कुछ करना है तो हमें सारे चेंजेस को अडॉप्ट करना होगा। ठीक है बेटा, तो बिजनेस एनवायरमेंट में कौन से चेंजेस आ रहे हैं वो हमें कब पता चलेंगे, जब हम बिजनेस एनवायरमेंट को स्टडी करेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। वैसे ही अब हम कोई भी प्लानिंग करते हैं, कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, तो किसके बेस पे बनाते हैं बेटा, एनवायरमेंट के बेस पे बनाते हैं, एनवायरमेंट के बेसिस पर हम बनाते हैं, एनवायरमेंट के बेसिस पर बनाते हैं। देखो
सपोज करो वी आर प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज ए फैमिली प्रोग्राम, ठीक है, सम टाइम इन कमिंग मंथ। अगर हम अगले महीने में कोई भी प्लानिंग करने जा रहे हैं कि भैया अगले महीने में ये फैमिली प्रोग्राम होगा, तो अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो अभी जो है COVID-19 का बहुत ज़्यादा जो है प्रकोप एक तरीके से पूरे इंडिया में है या पूरे वर्ल्ड में हम कह सकते हैं, तो अगले महीने में क्या स्थिति होगी वो हम अभी कुछ नहीं कह सकते, हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो हम जो भी फैसला लेंगे या जो भी प्लानिंग करेंगे वो किसके बेस पर करेंगे कि भाई हमारे एनवायरमेंट में तो देखें क्या हो रहा है, क्या उस एनवायरमेंट में वो पॉसिबल होगा ऑर्गेनाइज करना। तो हमेशा जो बिजनेस एनवायरमेंट होता है इट असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। कभी भी कोई बिजनेस फ्यूचर के लिए प्लानिंग करता है, वैसे फ्यूचरिस्टिक होती है प्लानिंग, हमेशा फ्यूचर के लिए ही की जाती है। तो अगर हम कोई ऐसी फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग कर रहे हैं तो हम एक बार भाई फ्यूचर में क्या करेंगे, झांक कर देखेंगे, मतलब हम एक तरीके से स्कैन करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट को, एनालाइज करेंगे कि उस टाइम या इस प्लानिंग को करने में जो प्लान हम बना रहे हैं इसके लिए जो फ्यूचर हैपनिंग्स होंगी या फ्यूचर सिचुएशन होंगी वो कैसी होंगी, ये हमारा प्लान सक्सेस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो प्लानिंग हमेशा किस तरीके से की जाती है, फ्यूचर को देखकर, एनवायरनमेंट को स्कैन करके, तो एनवायरनमेंट के हिसाब से ही हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है। अब बहुत से बच्चे प्लानिंग करके बैठे थे पिछले कुछ महीने तक कि भाई इस बार जून की छुट्टियों में वहाँ जाएंगे, अब सारी प्लानिंग क्या होगी, फेल हो गई, क्योंकि हमें बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, ये कुछ पता ही नहीं था, ये अनसर्टेन था, ठीक है। तो हमें अब प्लानिंग अपनी कैंसिल करनी होगी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा हमारी हेल्प करता है किसमें, प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मेशन में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस कैसे, देखो कोई भी बिजनेस मैनेजर अगर अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से मॉनिटर करता है, सारे रिसोर्सेज उसने बहुत अच्छे प्रोक्योर किए हैं, उसने प्लानिंग बड़ी अच्छी की है, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर की है, तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, दीज ऑल थिंग्स की हमने अपॉर्चुनिटीज़ भी देखी, थ्रेट्स भी देखी और उनके हिसाब से आगे की तैयारियाँ कर ली, तो ये सारी चीज़ें हमें सिर्फ हेल्प नहीं करेंगी इन इम्प्रूविंग आर प्रेजेंट परफॉर्मेंस, बट इट ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द फ्यूचर परफॉर्मेंस, फ्यूचर की परफॉर्मेंस भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को देखकर चलेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस तो अपने आप ही इंक्रीज है, क्योंकि हमने अपॉर्चुनिटीज़ पर ध्यान दिया, उनको सबसे पहले हमने उनका एडवांटेज उठाया, थ्रेड्स के हिसाब से अपने अपनी तैयारी कर ली, ठीक है, हमने उनको कैसे डील करना है अपने आप को प्रिपेयर कर लिया उस चीज़ के लिए पहले ही, फिर हमने अच्छे अच्छे रिसोर्सेज बेटर क्वालिटी के लोअर प्राइजेस पर लिए, हमने अपने आप को हमेशा जो भी चेंजेस हुए उनके हिसाब से अपडेट किया, हमने प्लानिंग भी एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर की, तो हमारी परफॉर्मेंस तो अपने आप ही इम्प्रूव हो गई ऑटोमेटिकली। तो ये हमारे इम्पोर्टेंस थे, ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं हम डायमेंशंस पर, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। जो हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशंस हैं ये 5 डायमेंशन है बेटा, 5 डायमेंशंस आर देयर, जिनका नाम है सबसे पहले हमारी आती है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, और इकोनॉमिकल के बाद हमारा आता है लीगल पॉलिटिकल सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। इनका कोई सीक्वेंस नहीं है वैसे, हम इनको कैसे भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है ना, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होंगे, मेन कॉम्पोनेंट्स देखो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के components, economic environment, इसके क्या क्या components होंगे, components जैसे देखो economic का सबसे पहले तो हमारा हो जाएगा जैसे money supply कैसे economy में, यानी कि economics में जो आप पढ़ते हो ना वो सारी चीजें, import and export, वैल्यू ऑफ रूपी, GDP, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वैसे इसमें आ जाता हमारा डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई, डिस्पोजेबल इनकम आ गया, मनी सप्लाई आ गया, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट आ गया, वैल्यू ऑफ रूपी, GDP, डिस्पोजेबल इनकम, डिमांड एंड सप्लाई, और जैसे इसमें
हमारा आ जाता है, टैरिफ स्ट्रक्चर बीसी में आ जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट, जैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है, या बैलेंस ऑफ पेमेंट इसी में आ जाता है हमारा। तो इन सारे चीजों से हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस पर बहुत ज्यादा जो है असर आता है, इन्फ्लुएंस होती है हमारे बिजनेस परफॉर्मेंस। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट हैं वो हो गया मनी सप्लाई, यानी कि अगर मनी सप्लाई जो होगी वो ज्यादा होती है तो उससे आ जाता है इन्फ्लेशन, ठीक है, और वो अगर कम होगी तो हो जाता है डिफ्लेशन, यानी कि ज्यादा पैसा लोगों के पास आ जाता है तो महंगाई होती है और कम हो जाता है तो मंदी आती है। ये हम मनी सप्लाई इकोनॉमिक्स में आपने डिस्कस किया होगा मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर में। फिर है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये भी हमारे किस में आते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, वैल्यू ऑफ रुपी इन कंपैरिजन टू डॉलर, कि भाई डॉलर के कंपैरिजन में वैल्यू ऑफ रुपी क्या है। ये हमारा डॉलर हो गया और ये हमारा रुपी हो गया। एक डॉलर की वैल्यू सपोज करो 75 रुपीज अप्रॉक्स के आसपास है, तो ये वैल्यू ऑफ रुपी हो गया। फॉरन एक्सचेंज रेट हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसमें हमारे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट आते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, डिस्पोजेबल इनकम, टैरिफ स्ट्रक्चर या टैक्स पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ये सारी चीज़ें हमें हमारे बिजनेस के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आती हैं। जैसे सपोज करो कि अगर मान लो इन्फ्लेशन हो जाए, महंगाई हो जाए, ठीक है, तो हमारे बिजनेस की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो महंगी हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा हो जाएगा तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो जाएगा। तो ये हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आता है, इस तरीके से असर डालेगा। वैसे ही सपोज करो टैक्स पॉलिसी, बहुत ज़्यादा टैक्स चार्ज करने लग जाए गवर्नमेंट, टैक्स चार्ज करेंगे तो हमारी डिस्पोजेबल इनकम कम रह जाएगी, क्योंकि जो भी हमारी अर्निंग थी उस पर बहुत सारा टैक्स तो हमने दे दिया, हमारे पास सेविंग्स या डिस्पोजेबल इनकम कम बची। डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो हमारी डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे किस में आती हैं बेटा, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में आती हैं। ये हमारे जो बिजनेस है उसको अफेक्ट करेगी, उसकी परफॉर्मेंस को, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है बेटा, देखो हमारे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या होती है, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट या फिर एडवांसमेंट आती रहती है। एडवांसमेंट जो किसकी वजह से आती है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। हम बहुत ज्यादा इनोवेशंस करते हैं या हमारी कोई टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है या उसमें कोई एडवांसमेंट हुआ है। जैसे आप फॉर एग्जांपल ले सकते हो कि पहले जो है ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न चलते थे, फिर कलर टेलीविज़न आया, ठीक है, उसके बाद एलसीडी आने लगी, या कलर टीवी में भी बहुत सारे वेरिएंट्स आए थे, जैसे प्लाज्मा टीवी आया था, उसके बाद एलसीडी, फिर एलईडी, और अब तो हम प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही तो है, तो ये भी तो बिज़नेस को अफेक्ट करती है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है बिजनेस को भी वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को हमें क्या करना पड़ता है, अडॉप्ट करना पड़ता है। उसके साथ साथ हमें न्यू मेथड्स जो हमारे डेवलप किए, न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, अब वो न्यू मेथड भी हो सकते हैं, कोई न्यू टेक्निक भी हो सकती है, या कोई न्यू प्रोसेस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होती है कि भाई नया मेथड आ गया है, कोई नई टेक्निक आ गई है, वो टेक्निक हमें अडॉप्ट करनी होगी, बिकॉज हमारे कंपटीटर ऑलरेडी उसको अडॉप्ट कर चुके हैं। अगर हमने अडॉप्ट नहीं किया तो हमारे कंपटीटर हमसे आगे निकल जाएंगे। तो इसीलिए हमें टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में जो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होती रहती है उनको हमें अडॉप्ट करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जो ये ऊबर है, ओला है, ये सारी जो टैक्सी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती हैं आजकल इंटरनेट से करती हैं, इंटरनेट, दे आर यूजिंग इंटरनेट, दे आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज ऑनलाइन, ठीक है। तो हमें कहीं जाकर बुकिंग नहीं करवानी होती पर्सनली, इट कैन बी डन ऑनलाइन एज वेल। तो ऑनलाइन हो जाएगा तो वो क्या है, एक न्यू मेथड है,
ठीक है, इंटरनेट का यूज हो रहा है, उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है हम उसको यूज कर रहे हैं, तो क्योंकि दूसरे लोग कर रहे हैं तो हमें भी करना होगा, इफ वी वॉन्ट टू बी अपडेट, इफ वी वॉन्ट टू बी मॉडर्न, इफ वी वॉन्ट टू बी कॉम्पिटेटिव एंड सर्वाइव इन ए कॉम्पिटेटिव मार्केट, तो हमें ये सारा चीजें करना होगा। टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट इसी में आता है। इसमें जो वर्ड आएगा ना बेटा, ऑनलाइन या इंटरनेट या फिर ई, जो वर्ड आता है जैसे ई बुकिंग या जैसे लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी, तो ये वर्ड किसको डिनोट करता है? ऑनलाइन को या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो होती है। तो ये वर्ड्स हमें हेल्प करेंगे किसमें? इस एनवायरनमेंट को आइडेंटिफाई करने में। कोई भी अगर टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हुई है तो ये सारे वर्ड्स हमारे केस स्टडीज में हेल्प करेंगे। ये की वर्ड्स है बेटा, हमेशा याद रखना। इसके बाद हम जो है डिस्कस करेंगे लीगल को। लीगल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? सारे एक्ट्स या लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन पास्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने कोई भी कानून पास कर दिया, जैसे करंट में कि भाई जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके ऊपर अगर किसी ने अटैक किया 7 साल के लिए अंदर, वो एक लेजिस्लेशन पास कर दिया गवर्नमेंट ने, वो एक कानून बन गया, लीगल में आता है। ठीक है, सारे एक्ट चाहे वो कोई भी हो, जैसे इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, पार्टनरशिप एक्ट 1932, या फिर हम कह सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जिसे अब अमेंडमेंट करके 2019 कर दिया गया, 2019 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ठीक है, और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं, चाहे वो कोई भी एक्ट हो, वो सारे एक्ट्स किस में आएंगे बेटा? लीगल एनवायरनमेंट में आएंगे। वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स पास्ड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, ठीक है। अब सपोज करो हरियाणा में बहुत ज्यादा भैया फॉग हो रहा है, अब जो यहाँ ऑर्डर, सॉरी, जो हमारे पलवल के डीसी हैं उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया कि भैया सारे स्कूल बंद रहेंगे, तो दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, गवर्नमेंट की अथॉरिटी ने पास किया है, तो इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लीगल एनवायरनमेंट। वैसे ही आपकी आ जाती है कोर्ट जजमेंट, कोर्ट की अगर कोई जजमेंट है, कोर्ट ने कोई भी डिसीजन दिया है, वो किस में आएगा? आपका लीगल में आएगा। वैसे ही कोई भी अगर मान लो ऑर्डर पास किए हैं या कोई भी गाइडलाइंस या कोई भी ऑर्डर्स, गाइडलाइंस या कोई लेजिस्लेशन टाइप या कोई भी नोटिस अगर जारी किया है किसने? गवर्नमेंट कमीशंस, कमीशंस या फिर एजेंसीज, एजेंसीज, इनके भी डिसीजन जो होते हैं वो किस में आते हैं बेटा? लीगल एनवायरनमेंट में। जैसे ये कमीशंस कौन सी होंगी? जैसे इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन, जैसे प्लानिंग कमीशन, या फिर NCERT, ठीक है, या फिर जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट फोरम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम या कंज्यूमर फोरम जो होते हैं, जैसे हमारे नेशनल कमीशन है, स्टेट कमीशन है, ये सारे किस में आते हैं बेटा? लीगल में आते हैं। अब जितने भी हमारे बिजनेसेस हैं जहाँ पर भी वो ऑपरेट करते हैं उस जगह पर कुछ लॉज होते हैं, ठीक है, वो सारे लॉज हमें क्या करने होते हैं बेटा? वी हैव टू फॉलो ऑल सच लॉज। अगर हमें वहाँ पर बिजनेस को ऑपरेट करना है तो हमें सारे लॉज को क्या करना होगा? फॉलो करना होगा, ठीक है, फॉलो करना होगा। तो फॉलो करेंगे तो उसके लिए हमें उन लॉ ऑफ लैंड की जानकारी होनी चाहिए, वो किस में आएंगे बेटा? हमारे लीगल में आएंगे। इसका एक और दो तीन एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे बेबी फूड, जो भी बेबी फूड होंगे उन पर गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि एक इंडिकेशन, एक वार्निंग या एक मैसेज आपको ज़रूर प्रिंट करना होगा, वो मैसेज है कि बेबी की जो हेल्थ होती है उसके लिए मदर मिल्क इज़ बेस्ट, मदर मिल्क इज़ बेस्ट फॉर द बेबी, ये लिखना ज़रूरी होता है। वैसे ही हमारे जो भी एल्कोहलिक बेवरेजेस हैं जैसे शराब, विस्की वगैरह जो रहती हैं, इनकी ऐड करना क्या है? बैंड है, गवर्नमेंट ने इसको बैन किया हुआ है, ठीक है। वैसे ही जो हमारे कोई भी अगर स्मोकिंग का सीन अगर आप देखोगे कोई भी पिक्चर में स्मोकिंग या ड्रिंकिंग का आता है, तो वहाँ पर
तुरंत मैसेज आ जाता है लिखा हुआ नीचे टीवी पर, आपने कभी नोटिस किया हो कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ या इट कॉजेज कैंसर या इट किल्स, इस तरीके से। तो ये लीगल वार्निंग्स होती हैं, ये लीगल एनवायरनमेंट में हमारी आती हैं। वैसे ही हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत सिंपल है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या आते हैं बेटा, जनरल पीस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जनरल पीस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इसका मतलब ये है कोई भी पॉलिटिकल राइट्स, हमारे राइट्स, राइट्स मतलब दंगे, ये नहीं होना चाहिए। सरकार जो है वो स्टेबल होनी चाहिए, यानी कि जल्दी जल्दी सरकार जो है वो बदलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमारी गवर्नमेंट स्टेबल होगी तो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, क्योंकि वो लंबे समय के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो कई सालों तक टिकने वाली है, गिरने वाली नहीं है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ इसमें हमारे जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव का कैसा एटीट्यूड है बिजनेस की तरफ, अगर वो कोऑपरेटिव है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, डिस्ट्रक्टिव है, वो भी इसमें आएगा। पॉलिटिकल में हमारे रिलेशंस कैसे हैं, किसके साथ, दूसरी नेशंस के साथ, फॉरेन पॉलिसी हमारी कैसी है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कैसी है, फॉरेन कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं, किस में आएगा, पॉलिटिकल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भैया एक अभियान चलाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये प्रधानमंत्री जी का मानना है। तो एक बीजेपी गवर्नमेंट हिंदुत्व की जो लड़ाई लड़ती है वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, वो किस में आएगा, पॉलिटिकल में आएगा। तो पॉलिटिकल बिलीफ्स या पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस किस में आएंगी, पॉलिटिकल में आएंगी। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो पॉलिटिकल पार्टीज के ही बिलीफ्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ने ही मिलकर बनाया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी किस में आएगा, पॉलिटिकल में आएगा। ठीक है, अब पॉलिटिकल में जो चीज़ें आएंगी उनमें हमारी मोस्टली गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई चीज़ें ही आती हैं। पॉलिटिकल बिलीव्स कैसी हैं, पॉलिटिकल वैल्यूज़ कैसी हैं, रूलिंग पार्टी या मेजोरिटी पार्टी उनकी कैसी आइडियोलॉजीज हैं, कैसी उनकी बिलीव्स हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव का एटीट्यूड कैसा है बिजनेस के लिए, पॉजिटिव है, सपोर्ट करते हैं उसको कि नहीं करते। जैसे बीजेपी के लिए कहा जाता है कि भाई ये तो पूंजीपतियों की या व्यापारियों की सरकार है, तो वो पॉलिटिकल में आ जाता है। कोई भी पॉलिटिकल कैंपेन या गवर्नमेंट कैंपेन चलाती है वो भी इसमें आता है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जनधन योजना, ठीक है, या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, या प्रधानमंत्री किसान निधि योजना, ऐसे करके बहुत सारी जो पॉलिटिकल कैंपेन्स या पॉलिसीज चलती हैं वो किस में आती हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आती हैं। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में सबसे मेन तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड जनरल पीस आता है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान भी किस में आएगा बेटा, पॉलिटिकल में आएगा। एक बार जब आप इसको बुक से रीड करोगे तो बहुत सिंपल है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से अगर पढ़ोगे और साथ के साथ इनकी केस स्टडीज भी पढ़ लोगे तो ये कीवर्ड्स जो मैं बोल रहा हूँ ये बड़े काम आते हैं। लास्ट इसमें है हमारा सोशल, सोशल में हमारे क्या आते हैं, कस्टम्स, वैल्यूज, सोशल वैल्यूज जो होती हैं या ट्रेडिशंस, ठीक है, और इसमें हमारा डेथ रेट, बर्थ रेट या लिटरेसी रेट, इसमें ही आता हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फैमिली कंपोजिशन, वुमन पार्टिसिपेशन इन बिजनेस या वुमन पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी, ये सारी चीजें किस में आती है हमारी, सोशल में आती हैं। ये भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। बिजनेस को कैसे अफेक्ट करेंगी, जैसे हमारी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं। अब कस्टम्स एंड ट्रेडिशन में अलग अलग धर्मों के अलग अलग त्यौहार होते हैं, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कस्टम हिंदू जो होते हैं वो दिवाली मनाते हैं, दिवाली पे अलग तरीके के बिजनेसेस अपॉर्चुनिटी आती हैं, ईद के टाइम अलग तरीके की आती है, क्रिसमस पे अलग आती हैं, वैसे गुरु पर्व पे अलग आ सकती हैं। जो हमारा डेथ रेट है बर्थ रेट है वो भी अफेक्ट करता है। फैमिली कंपोजिशन कैसी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, या वुमन पार्टिसिपेशन कैसा है, हमारी जो वुमन है वो भी बिजनेस में पार्टिसिपेट करती हैं या नहीं करती हैं, या किस तरीके की सोसाइटी की बिलीव्स हैं, वो हमारे जो है बिजनेस को अफेक्ट करेंगी। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट में सोशल एनवायरनमेंट जो है उसमें हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस सबसे इम्पोर्टेंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस,
हमारे जो कंज्यूमर्स हैं सोसाइटी के अंदर, उनके कैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, वो किस तरीके के प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं, तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग ही बिजनेस को कोई भी प्लानिंग करनी होती है, बिजनेस को अपनी प्रोडक्शन वगैरह जो है वो तैयार करनी होती है। तो ये सारा जो है बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में ये आधे से ज़्यादा चैप्टर इस वीडियो में कवर हो चुका। अब इसके बाद हमारे जो गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस और उन गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस का क्या इफेक्ट हुआ किसके ऊपर, बिजनेस और इंडस्ट्री के ऊपर, और बिजनेस मैनेजर के क्या रिस्पॉन्स हुए, ये रह गया है, और डीमोनेटाइजेशन वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक ये सारे बच्चे आपको ये देखना है, और इन पर बेस्ड में कुछ केस स्टडी आपको भेजूंगा, वो आपको जरूर ग्रुप में पोस्ट करनी है पॉजिटिवली। थैंक यू स्टूडेंट्स।